अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन में उपस्थित होकर के इसको एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट की बात कही थी, तब मेरे सहयोगी बोलते थे कि हम प्रदेश के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाएंगे, तो मुझे उनकी बातों पे हंसी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा भी आप क्या बात कर रहे हैं, 20,000 करोड़ केवल यूपी में निवेश होगा? तो कहते रहे साहब यूपी में कौन निवेश करेगा। मैंने कहा भी क्यों, यूपी तब तक हमारी सरकार को बने में मात्र 6 महीने हुए थे। मैंने कहा भी क्या यूपी में अभी किसी का विश्वास नहीं जगा है? कहा रे साहब अभी कहां जगने वाला है, इतनी जल्दी विश्वास, तो जब विश्वास एक बार टूट चुका है 15-20 वर्षों का जो अविश्वास है, इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और पहला जब इन्वेस्टर समिट किया था, मुझे भी कुछ जगहों में जाना पड़ा था। हम लोगों ने वहां पे लोगों के साथ रोड शोज किए थे, उद्यमियों के साथ हम बैठे थे, जिससे भी हम बातचीत करते थे वो कहता साहब हमने तो बहुत पहले संकल्प लिया हम यूपी कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे आप? वो कहता था साहब हम ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित रहेगी। आज मैं कह सकता हूं यूपी दंगा मुक्त प्रदेश है, कोई दंगा यूपी में नहीं होता, कोई गुंडागिर्दी यूपी में नहीं होती, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतरीन है। यूपी में आज के दिन पे पर्यटकों की संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ी है। अकेले अयोध्या में कल अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के विराजमान होने का 1 महीना पूरा होने जा रहा है, और आज पूरा होने जा रहा है। और इस अवसर पर आप अगर आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 62 से 65 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम में पधारे हैं, आप सोच सकते हैं। मैंने वहां के व्यापारियों से पूछा, मैंने कहा भी क्या इसका बिजनेस पे असर पड़ा, क्योंकि हम जब वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को चौड़ा कर रहे थे, सड़कों को चौड़ा कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। मैं समझा रहा था उनको, मैंने कहा देखो जिसकी दुकान जाएगी उसको दुकान देंगे, जिसका मकान जाएगा उसको मकान देंगे, जिसको ये दोनों नीचे है उसको पूरा कंपनसेशन भी देंगे। 3-4 राउंड की बातचीत मुझे स्वयं करनी पड़ी थी। उस समय लोगों को लगता था कि या तो एक काम पूरा नहीं होगा या मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने कहा देखो भाई हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम तो राम प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं, और हमारा यही मानना है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब एक बार बोल दिया तो उसको हर हाल में लागू करेंगे, चिंता मत करिए जरूर होगा। सभी का पुनर्वास किया गया, हर एक को दुकान दी गई, और परिणाम क्या है, आज जब मैं 1 सप्ताह के अंदर ही गया था, विराज प्रभु रामलला के विराजमान होने के 1 सप्ताह के अंदर अयोध्या गया था, तब मैंने वहां के उद्यमियों और व्यापारियों से पूछा कुछ लाभ हुआ? उन्होंने कहा साहब बिजनेस हमारा 30 से 50 गुना बढ़ गया है। और केवल ये तो व्यवसाय की मैं बात कर रहा हूं, होटल वालों के साथ बैठक करवानी पड़ी मुझे कि भाई रेट ज्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि 1,80,000 रुपए तक रूम के रेट जा रहे थे। हमने कहा भी कम करो भाई, और फिर उसको कुछ को हम लोगों को लेना भी पड़ा फिर कि नहीं भाई इससे ज्यादा रेट नहीं होगा, कैब करना पड़ा था, टैक्सी सेवा। और केवल अयोध्या में नहीं, आप लखनऊ जाइए किसी भी होटल में रूम नहीं मिलेंगे, वाराणसी में नहीं मिलेंगे, प्रयागराज में नहीं मिलेंगे, गोरखपुर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब पैक हैं, कहां अयोध्या जाने के लिए। कितना परिवर्तन होता है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रयास प्रारंभ किया, आज रिजल्ट हम सबके सामने है, आस्था भी और आजीविका भी, इसी को कहते हैं। और यह कार्य हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना